उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के तिलोई तहसील में लोगों की हक की लड़ाई लड़ने वाले वकील और सरकारी कर्मचारी के पद पर तैनात लेखपाल सहित उनका पूरा संग मामूली बात को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो गए। पहले तो शुरुआती दौर में हाथापाई हुई, बाद में जिसके हाथ में जो भी आया लाठी डंडे यहाँ तक कि पत्थर से भी फेंक कर मारपीट शुरू हो गई, जिसके चलते लेखपाल संघ के 3 लेखपाल घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर एसडीएम ने पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बावजूद जब दोनों पक्ष मानने को राजी नहीं हुए तत्काल आनन फानन में कई थानों की पुलिस फोर्स तहसील बुला ली गई और पूरी तहसील परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तब जाकर मामला किसी तरह से शांत हुआ। फिलहाल दोनों पक्ष कोतवाली मोहनगंज पहुंचकर अपनी ओर से तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने में जुटे हुए हैं। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। मैं अनिल कुमार पांडे, एडवोकेट, संयुक्त मंत्री बार एसोसिएशन तिलोई। क्या घटना हुई है आज, किसी से मारपीट हुई, क्यों हुई है? घटना की शुरुआत यहाँ से हुई है। हमारे एक पीड़ित अधिवक्ता थे मनोज कुमार तिवारी, जो पैर से पूरी तरह से बेचारे फ्रैक्चर है, पैर लंगड़ा रहे हैं। उन्होंने एक वेद यादव नाम के लेखपाल को वरासत के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराए थे, वरासत करवाने के लिए। वरासत के 3 महीना बीतने के बाद लेखपाल साहब ने पूछा कि आपने क्यों नहीं वरासत किया, लेखपाल साहब से वकील साहब ने पूछा। तो लेखपाल साहब उग्र हो गए, उन्होंने जो है हमारे अधिवक्ता, पीड़ित अधिवक्ता से हाथापाई करते हुए उनको एक मार के ढकेल दिया। पैर गड़बड़ होने के कारण वो बेचारे गिर पड़े और उसके बाद सभी लेखपाल आक्रोशित होकर के मारने के बाद लाठी डंडा से लैस होकर के आए और पवन शुक्ला के चैम्बर में पवन शुक्ला के साथ मारपीट की और उसके बाद वहाँ चैम्बर में जो कुर्सियाँ पड़ी थी वो सारी कुर्सियाँ उठा उठा करके फेंक दिया। और ये सब जो है प्रशासन तहसीलदार तिलोई की अध्यक्षता में ये विवाद हुआ है। तहसीलदार तिलोई ने ही इस विवाद को जो है असली जामा पहनाया है मारपीट पर, ठीक है। उसके बाद हमारे थाना इंस्पेक्टर साहब मोहनगंज की मौजूदगी में उन लोगों ने मारपीट किया और उसके बाद पुलिस प्रशासन, जब कई थानों की फोर्स आई तब मामला शांत हुआ। उसके बाद भी वो लोग आक्रोशित हैं और मरने मारने पर उतारू। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? अब ये तो हमारे शीर्ष पदाधिकारी अधिवक्ता संघ के जो निर्णय लेंगे, हम सभी लोग उस शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं, जो भी निर्णय होगा। हम अभी आपका अनूप सिंह, क्या है आप इस तहसील लेखपाल संघ अध्यक्ष तिलोई? क्या मामला हुआ, क्यों मारपीट हुई है आज और कौन कौन लोग चोटिल हुए हैं? उसमें चोटिल हुए हैं वेद यादव और अमरनाथ दुबे, सुरेश कुमार, 3 लोग चोटिल हुए हैं। मामला ये था कि वेद यादव जो लेखपाल हैं वो शायद गेट पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो वकीलों ने इनको घेर के मारा। कोई एक वरासत थी तो वेद यादव ने कहा मैं इसकी जांच करूँगा, उसके बाद ये वरासत मैं कर दूँगा। तो उन्होंने, उनका कहना था कि तत्काल इसको कर दीजिए, इसी पे उन लोगों ने इनको मारा। फिर वहाँ से किसी तरह वो आए भागते हुए मीटिंग हॉल में, मीटिंग हॉल में भी उन्होंने जब घेरा उनको तब विवाद बढ़ गया, वहीं से फिर इनको खदेड़ा गया है। किस चीज़ से मारपीट हुई है? नहीं, हाथापाई हुई थी, हाथ से ही हुई है। जबकि वकील संघ ने आरोप लगाया कि लाठी डंडे सहित ईंटे पत्थर चले हैं। उसको तो वकीलों ने बाद में हम लोगों के ऊपर ही मारा है, इन्होंने डंडे से और पत्थरबाजी भी इन्होंने हम लोगों के ऊपर ही की है, जिसमें से सुरेश कुमार के और दुबे सर जो हमारे आरके हैं दोनों लोग चोटिल हुए, पत्थर से ही चोटिल हुए। किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम लोग FIR चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। उनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनका मन बढ़ गया, इनको शांत करने के लिए गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। प्रशासन, आपके जो SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, किस तरीके से तहसील में नियंत्रण करने के लिए आप लोग? SDM साहब, तहसीलदार साहब लगातार नियंत्रण कर रहे हैं और हम लोग शांत हैं, हम लोग लड़ाई करना नहीं चाहते। क्या नाम है आपका भैया? श्याम मूर्ति यादव, एडवोकेट, भाजपा मंडल अध्यक्ष तिलोई। क्या हुआ है तहसील में, क्या मामला हुआ? हम जब गए वहाँ तो मनोज तिवारी को जो है कोई लेखपाल ने उसको मारा पीटा, वकील को। उसके बाद वकीलों ने कुछ जब उधर चैम्बर कहती बढ़े, लेखपाल से हाथापाई हुई। उसके बाद जब फिर वहाँ से लेखपालों ने जो है लामबंद होकर लाठी डंडा तहसीलदार सहित आ करके पवन शुक्ल को जो है सीट पर आकर मारा पीटा और चैम्बर में तोड़ फोड़ किया। उसमें जिला के बार के हमारे महामंत्री धर्मेंद्र प्रताप पासी, उनको भी जात सूचक गालियां दी गई और उनको भी मारा पीटा विधवत, और पुलिस मुक बनी खड़ी रही उसी समय तक। उसके बाद फिर एक अध्यक्ष हुए नाते हमने DM साहब को फ़ोन लगाया, अब जा करके यहाँ पुलिस व्यवस्था बढ़िया हुआ है। किस चीज़ के लिए विवाद हुआ था? एक पाका घेरा, वकील साहब, पीड़ित वकील साहब मनोज तिवारी बता रहे हैं कि पाका घेरा था,
पाका गेरा में लेखपाल को कुछ पैसा भी दे दिया है। उसके बाद 2-3 महीना हो गए हैं, तो उसके लेखपाल से बातचीत किया, तब तक लेखपाल ने उग्र हो करके मनोज तिवारी एडवोकेट को मारने की कोशिश की, गाली गुत्ता मारपीट करने लगे। किस चीज़ से मारपीट हुई है? लाठी से, डंडा से, घुम्मा से, काफ़ी अधिवक्ता हमारे चोटाहिल हो गए हैं। उसमें चोटाहिल में अनिल पाड़े इत्याद, पवन सुकुल इत्याद, धर्मेंद्र हैं और बाद के काफ़ी पदाधिकारी हैं, काफ़ी सर। तहसील में वकील और जो है लेखपाल के बीच में मारपीट है, क्या है मामला, किस तरीके के आप लोग नियंत्रण कर रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई आप लोगों द्वारा की जा रही है? एक लेखपाल वेद प्रकाश यादव है, वो आ रहा था, उसी से श्यामूर्ति यादव शायद वकील हैं, इन लोगों से कुछ कहा सुनी हुई और उसी कहा सुनी में जो है इस मारपीट हो गई। इस तथ्य की जैसे ही जानकारी मुझे मिली, मैं संजोग से 1:30 बजे यही तहसील से ही आवास तक पहुंचा था और आकर के दोनों पक्षों को हटा करके, लेखपालों को शांत करके, उनको मीटिंग हॉल तक और फिर अधिवक्ताओं से भी मैंने अनुरोध किया कि आप लोग अपने बार एसोसिएशन कक्ष में जाइए। मामला दोनों लोगों के बीच विवाद न बढ़े, इसका प्रयास मेरे स्तर से किया जा रहा है और अभी भी मेरा प्रयास यही है कि दोनों पक्षों में कोई ऐसी स्थिति न रहे। बाद में कुछ लेखपाल और कुछ वकील एक दूसरे को कुछ कहते हुए आक्रोशित होकर के आए, लेकिन इस बीच मैंने फोर्स मंगा लिया था और फोर्स के आ जाने के कारण स्थिति नियंत्रण में हो गई। लगभग कितने थाने की फोर्स है और किस प्रकार की वो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आपसे? अभी तो लेखपालों को जो घायल हैं उनको चिकित्सकीय उपचार के लिए मैंने भेजा है, अभी उनका कोई FIR वगैरह मेरे समक्ष नहीं है, तो ये तो नहीं कुछ कहा जा सकता है। 3 लेखपाल घायल हुए हैं, उनको भेजा गया है अस्पताल में, उनका चिकित्सकीय उपचार चल रहा है।